नमस्कार, ज्योति सागर के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। लॉकडाउन का पालन करते करते लोग उब गए हैं, तभी रोजाना नई नई घटना सामने आ रही है। कहीं चोरी तो कहीं मारपीट, कहीं पत्थरबाजी। ऐसा ही सिंभावली के गांव मुरादपुर में हुआ। मुरादपुर में बच्चों के खेलने के समय हुए मामूली विवाद में बच्चों के परिजनों के बीच फायरिंग और पथराव शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां तक चल गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए और एक युवक की गोली लगने के कारण घायल होने की आशंका है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सूचना मिलते ही पहुंची, घटना की जांच में जुट गई है। ग्राम मुरादपुर थाना सिंभावली में आज एक विवाद हुआ और विवाद के उपरांत दोनों पक्षों में पथराव हुआ और फायरिंग की भी घटना हुई। कुल इसमें 3 लोग इंजर्ड हैं। एक पक्ष से 2 लोग हैं दानिश और इनाम, दूसरे पक्ष से एक राकिब हैं। इन्हें तत्काल उपचार के हेतु भेज दिया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार कल एक यहाँ पे छिपा छिपाई का खेल होता है, उसी को लेकर के दानिश और राकिब में विवाद हुआ था, जिसका गांव वालों ने मिलजुल करके फैसला करा दिया था। इस संबंध में कोई भी सूचना थाना पुलिस को नहीं दी गई और आज दानिश जो है दूसरे पक्ष के घर के सामने खड़ा हुआ था, पुनः इनमें विवाद शुरू हुआ। विवाद के उपरांत इसमें पथराव और फायरिंग की घटना हुई। क्या फायरिंग अवैध हथियारों से थी या इनके शस्त्र लाइसेंस थे? क्योंकि अभी तक जो जानकारी मिली है दोनों पक्षों के पास में शस्त्र लाइसेंस नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनके द्वारा अवैध हथियार से फायरिंग की गई होगी। हम लोग सारी चीज़ों को पता लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जा रही है। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।